हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंचायती राज चुनावों की नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही चुनाव हलचल तेज हो गई है। नामांकन दाखिल करने के तीसरे दिन धनाव पंचायत समिति क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ उम्मीदवार राजनीतिक दलों में टिकट लेने की कोशिशों में लगे हुए हैं। शुक्रवार की रोज धनाव पंचायत समिति क्षेत्र के वार्ड संख्या 11 से उम्मीदवार शम्मा खान ने अपना नामांकन दाखिल किया। राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए बहुत कम लोगों के साथ जाकर शम्मा खान ने अपना नामांकन दाखिल किया है। ज्ञातव्य रहे कि शम्मा खान चौटन की पूर्व प्रधान रह चुकी है तथा वर्तमान में कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव भी है। उन्होंने अपने शौहर और पूर्व राज्य मंत्री हाजी गुफर अहमद के साथ रिटर्निंग अधिकारी के सामने अपना पर्चा दाखिल किया। वो लगातार राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं तथा गांव-गांव जाकर भी जनसंपर्क कर रही हैं। धनाव प्रधान का पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है। कांग्रेस बाहुल्य वार्डों के आधिपत्य के कारण धनाव में कांग्रेस का वोट बनने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। ऐसे में शम्मा खान धनाव प्रधान की प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। देखिए, हम लोग रेगिस्तानी इलाके से और बहुत पिछड़े इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बिल्कुल डेफिनेटली हमारे इलाके में कई ऐसी अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर हमें काम करना बाकी है। हालांकि पहले भी जनता ने आशीर्वाद दिया और हमें सेवा का मौका मिला और हमने काफ़ी कुछ हद तक कुछ समस्याओं को सुलझाने की भी कोशिश की, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जैसे बिजली है, शिक्षा है, पानी की समस्या है, ये हमारे यहाँ के बेसिक मुद्दे हैं जिन पर हम पूरी तरह से काम करना चाहेंगे। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।